मामा भांजा कुल्फी खाएंगे क्या? अयोध्या 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 रामलला को दर्शन करेंगे बस। जय श्री राम जय श्री राम। गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखिए फाइनली हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं और अब हम लोग का प्लान हो रहा है कि थोड़ा सा ना जब आगरा में रुके हैं तो कुछ और भी कर लिया जाए, क्या ताजमहल देख लिया जाए, यही तो प्लान हो रहा है अभी। घर जाने के लिए बेटा अभी क्यों, किसकी याद आ रही है? तो अरे सबका याद आ रहा है, बीबी का और बच्चे का, सबका याद आ रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश में है और श्री राम मंदिर का दर्शन नहीं किया तो क्या किया? तो आज हम लोग का जो यात्रा होगा अद्भुत, आगरा से जय श्री राम, श्री राम मंदिर का जय श्री राम अयोध्या। जय भाई तैयार हो चुके हैं, जय श्री राम लाला के दर्शन करने के लिए कितने उतावले हैं इसमें देखते हैं और कौन कौन क्या कर रहा है। देखिए सामने में हमारी तीनों गाड़ियां लगी हुई हैं, अब होटल से हम लोग बाहर आ चुके हैं और सारा सामान जो है हम लोग का एक ही गाड़ी में आ जाता है। सब लोग अपना सारा सामान ना देखिए इसमें रखते हैं, 10-11 में इसी में सारा बैग रखा हुआ है, मेरा भी है और यही अब एक अपना बैग छोटा वाला मैं रखूँगा और फिर यहाँ से हम लोग की आगे यात्रा अब कंटिन्यू होगी। और है क्या? और भी है। अभी देखिए ग्रिल और इसका बम्पर, ये दोनों मॉडिफिकेशन इसका हुआ है। तो गाइज फाइनली हमारी मंडली जो है अब निकल चुकी है ताजमहल देखने के लिए। ताजमहल देखेंगे हम लोग का, ताजमहल देखने के पश्चात हमारी यात्रा होगी। आगरा की जो है हमारे होटल से ताजमहल की जो दूरी है लगभग 5 किलोमीटर थी और हमें आने में यहाँ कुछ भी समय नहीं लगा, कुछ ही पलों में हम लोग बिल्कुल ताजमहल के सामने होंगे। कितनी खूबसूरत बनी हुई है प्रतिमा यहाँ चुके हैं ताजमहल के लिए। देखिए यहीं पे पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी खड़ा करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे। पैदल भी है और ये बैटरी वाली गाड़ियाँ भी चलती हैं, तीनों साथ में है पार्किंग के। एक गाड़ी का 100 रुपया। कहाँ पार करना है? ये देखिए यहाँ पे गाइड की जो चार्जेज हैं और ये गाड़ी के माध्यम से हम लोग जाएंगे। तो ये देखिए कहाँ के लिए? ताजमहल दीदार के लिए हमें ये बुक कर लिया है। देखिए यहाँ से नजर है ना, यहाँ से हमने बैटरी वाला गाड़ी ले लिया है और ये हमें लेके जाएगा ताजमहल तक। यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे, हम लोग ताजमहल के गेट पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब टिकट लेनी है। टिकट की प्राइस जो है 250 रुपये, लेकिन उससे पहले हुआ कि कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया जाए तब अंदर चला जाए। सुबह से हमने अभी तक कुछ खाया नहीं है, हमारी मंडली जो है अब निकल रही है, पहले ब्रेकफास्ट करेगी और ब्रेकफास्ट करने के पश्चात हम लोग जो है ताजमहल घूमने जाएंगे। सबको भूख लगी है बहुत जोरों की, क्योंकि समय जो है अभी कितना हो गया, टाइम 11:50 हो चुके हैं और 11:50 में हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, पूरी जलेबी और सब्जी। भूख सबको लगा है, देखिए जलेबी सबका खत्म हो गया। तो हम लोग मेन गेट पे आ गए हैं और यहाँ से अब हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पे आपको ताजमहल की सारी पुरानी पिक्चर्स देखने को मिलेगी, जो 1910, 1959, 1987, मतलब सारी अभी तक का टोटल। ये ब्रिटेन की महारानी जी डायना ने गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ताजमहल और ताजमहल का दिलदार आप भी कर लो। देखिए फोटो शूटिंग हो रही है मामा और भांजे का, बोलिए ले लिए गजब का। देखिए मामा ये तो मैं रह गया, ताजमहल उधर रह गया। कभी भी ताजमहल घूमना हो तो ठंडी के मौसम में आया करो, बारिश के टाइम में ताजमहल आइए। हाँ धूल 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 बारिश हो। वापस इसी गाड़ी से हम लोग बैक हो जाएंगे।
हम लोग की गाड़ी जो है हम लोग को वापस जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर रखा है वहीं पे छोड़ दिया। अब हमारी कार जो है यहीं लगी हुई है, यहीं उतरेंगे हम लोग और यहाँ से अब सीधा निकलेंगे। सिगरेट कहाँ मिलेगा? गाड़ी लेके आता हूँ उसके बाद खाऊंगा। मामा मामा आज बात हुआ था तो वहाँ पे रील बनाने के लिए। मामा मामा हाँ क्या कुल्फी खाएंगे क्या? नहीं खाइए ना मेरा दांत ने मलाई वाला था रबड़ी का बेटा। रबड़ी का है और कुल्फी का भी है लेकिन मेरा ये दांत एक लीजिए ना मामा। ये मेरा दांत सही है हम खा लेते हैं। ठीक है तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं बाहर आगरा से और देखिए अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस सामने से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ओर है। हम लोग कुछ ही पलों में हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे होंगे और हमारी यात्रा जो है अयोध्या के लिए शुरू होगी। जय श्री राम। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल टैक्स है, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और ये पहला और आखिरी यही एक आखिरी में होता है, दो ही टोल टैक्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फूड प्लाजा में, यहाँ पे कुछ खाना पीना होगा, नाश्ता होगा, उसके बाद फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू होगी हमारी। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं फूड कोर्ट में और यहीं पे कुछ अब नाश्ता वगैरह किया जाएगा। कुछ भाई लोगों ने डोसा का ऑर्डर दिया, कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, यहाँ पे सब चीज़ मिल जाता है, खाने पीने का सब कुछ है यहाँ पे। मैं कैफेटेरिया के अंदर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसा है और अंदर में क्या है। बहुत ही अच्छी सुविधा है, गर्मी भी नहीं है, फुल्ली एसी है, गर्मी के दिन में आपको यहाँ मज़ा आएगा। सब लोगों ने ऑर्डर कर दिया। तो दोस्तों हम पहुँच गए लखनऊ, ये हमारा लास्ट टोल टैक्स है, इस पे दो ही टोल टैक्स मिलते हैं, एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में। बाकी तो इसका वीडियो बहुत सारे बना चुके हैं आप देख सकते हैं मेरे, और भी नीचे बहुत सारे इसके हाईवे से रिलेटेड वीडियो हैं। दोस्तों समय जो है 5:23 हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं अब लखनऊ। लखनऊ हम लोग अंदर अंदर होके जा रहे, बाहर से भी रास्ता बना हुआ है, चूंकि उस पर पहले मैं गया नहीं हूँ तो मैंने आज एक्सप्लोर करना उचित नहीं समझा, उसको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं आपको। और अभी हम लोग का प्लान है अयोध्या जाने का, तो हमको लगता है कि अब 3 घंटे में हम लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है हमें कि इतने सारे एडवेंचर सब कुछ करने के बाद हम आप पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के नगरी में, जो कि अलग ही एक आनंद की आभूति होती है जब हम अयोध्या पहुंचते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए आप भी मेरे साथ प्रभु श्री रामचंद्र की जय। तो दोस्तों हम लोग अब पहुंच चुके हैं अयोध्या और लखनऊ से अयोध्या कैसे पहुंचे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और अब अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की नगरी में आप सभी भक्तों का स्वागत है, एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो दोस्तों हमने तो अभी प्रभु का दर्शन भी नहीं किया और इतना आनंद आ रहा है प्रभु के नगरी में आके कि मैं आपको क्या बताऊं, दिल करता है बस नाचे गाया झूम उठे प्रभु के भक्ति में, सच में आनंदित हो उठा है मन और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम किस लोक में विचरण कर रहे हैं। अयोध्या धाम ही ऐसी है, अयोध्या धाम नगरी ऐसी है, प्रभु की भक्ति में यहाँ आने के बाद मन मुग्ध हो जाता है। मैं कैसे इस शब्दों से मैं कैसे वर्णन करूँ इस पल का जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, सच में बड़ा ही आनंद आ रहा है। प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या धाम का ये रात का जो खूबसूरत नजारा है आप देख सकते हैं, कल दिन का भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो रात हो गया है और समय जो है अभी 8:45 हो चुके हैं। तो अब हम लोग का प्लान ये है कि आज कल सुबह प्रभु का दर्शन करना है तो कल ही दर्शन करेंगे हम लोग। अयोध्या धाम में आपका स्वागत है। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन विरह श्री राम जय जय राम संकट मोचन विरह श्री राम जय राम संकट मोचन विरह जय श्री राम जय श्री राम।